हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार तिवारी आज एक रेलवे के लिए वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसे हम लोग कैसलेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन रेलवे में आपके 3 मार्क्स के आते ही आते हैं। अगर आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है रेलवे का हो या UPSI का हो, है ना, या फिर आप जनरली जो एग्ज़ाम देते हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम देते हो, तो बैंक में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बस उसके थोड़े लेवल हार्ड होते हैं। तो मैं एकदम बिल्कुल एक बेसिक से शुरू कर रहा हूँ और धीरे धीरे से मैं आपको हाई लेवल तक लेते चलूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस तरह का क्वेश्चन आप जब प्रीवियस पेपर बनाए होंगे तो आपको मिला होगा। यह जो क्वेश्चन है रेलवे में पूछा गया है, यह मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन के मदद से आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ और बताता हूँ, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन में बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए मेन, देखो अभी यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो 3 ही सब्जेक्ट के बारे में चर्चा किया है। धीरे धीरे मैं 4 सब्जेक्ट के बारे में, 5 सब्जेक्ट के बारे में, मतलब जो क्वेश्चन आते हैं मैं वो सब आपको बताऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हो कि ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। मैं धीरे धीरे क्या करूँगा कि एक एक जो है डेटा वो मतलब कि जो मिसिंग होता है मैं उसको मिस करूँगा, ठीक है, और उस पर आधारित फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए एकदम बिल्कुल एक बेसिक से, और यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हूबहू आया हुआ है या रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। देखिए, अगर यहाँ पर पहले ये समझना है कि 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, अच्छे से समझिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये आपके PT में भी आएगा और बेंस में भी आएगा, है ना। रेलवे NTPC का जो चरण 1 है उसमें भी आएगा, और फेज़ 2 है, चरण 2 है, उसमें भी आता है यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो, पहले तो मैं यही डेटा लेकर के आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और समझाते चलता हूँ कि कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप बड़े आराम से बना सकते हैं। देखिए, बोला है कि देखो नीचे मैंने लिखा है कि कुल 4000 विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। मान लो कहीं ये कॉलेज है मान लीजिए कहीं ये कॉलेज है वगैरह है, ठीक है, तो उसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स हैं वो 4000 दिए गए हैं, ठीक है। ये तो बातें समझ में आ गई कि टोटल 4000 हैं। उसमें से बोलता है कि 3000 को इंग्लिश आती है, 2000 को फ्रेंच आती है, 500 को हिंदी आती है, ठीक है। अब देखो, हम लोग समझते हैं। अगर एक मैं बात बोलूं कि चलो ठीक है, यहाँ पे 3 बातें दी गई हैं, ये मैं अभी यहाँ पे 3 डायग्राम बना रहा हूँ, आप समझिए एकदम अच्छे से। अब जो जो पहले आती है, क्या क्या आती है, मान लो पहले इंग्लिश मैं लिख देता हूँ, फिर क्या है फ्रेंच, और फिर मैं लिख देता हूँ हिंदी, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो मैंने ये जो डायग्राम जो बनाया तो उसमें आपको चीज़ों को समझना है। अगर ये बोल रहा है कि 3000 को इंग्लिश आती है, मतलब ये जो पूरा ये जो सर्कल है ना, ये पूरे सर्कल की वैल्यू 3000 दी गई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, 3000, ठीक है। अच्छा, अब देखो 2000 को फ्रेंच आती है, मतलब ये पूरे ये जो सर्कल है ना उसकी वैल्यू है 2000, ठीक। फिर आपसे बोला कि 500 को हिंदी आती है, मतलब हिंदी मतलब ये पूरा ना गोला है हिंदी के लिए, तो मैं 500 को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पहले एक बात समझ में आ गई है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, बोला है कि 1500 को फ्रेंच और इंग्लिश आती है। अच्छा ठीक है, आपसे तो ये बोल रहा है ना कि जो भी स्टूडेंट है तो उसमें ये बोला कि 1500 ऐसे हैं जिनको फ्रेंच और इंग्लिश आती है। तो ये बताओ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेंच और इंग्लिश आती है तो जो तीसरा जो लैंग्वेज है उसके बारे में क्या अभी आप कुछ डेफिनेट बोल सकते हो, है ना, कि तीसरा जो सब्जेक्ट है वो आ भी सकता है और नहीं भी। देखो ऐसा भी हो सकता है, अगर फ्रेंच और इंग्लिश आती है तो तीसरा भी सब्जेक्ट हो सकता है कि उसको आए। तो देखो मैं इसको क्या लिखूँगा कि ये बोल रहा है कि फ्रेंच और इंग्लिश आती है, इसका मतलब आपको ये भी समझना है कि तीसरा भी सब्जेक्ट, मतलब हो सकता है कि उसको तीनों लैंग्वेज आता हो,
ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा कि फ्रेंच और इंग्लिश ना, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 1500। मतलब इसकी वैल्यू मतलब क्या, देखो ये वाली वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू कहने का मतलब कि देखो यहाँ पे जो है वो तीनों आ सकता है, और ये जो वैल्यू होती है मतलब इसको थोड़ा सा आप डिजाइन करेंगे ये वाला वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ कोई अगर डेटा लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि उसको केवल यहाँ पे अगर हम लिख देंगे तो हो जाएगा केवल उसको इंग्लिश और फ्रेंच आता है, तीसरा सब्जेक्ट नहीं आता। लेकिन और यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि उसको तीनों सब्जेक्ट आता है। बात समझ में आ गई ना। अब देखो उसी तरह से अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ये वाला वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डेटा है यहाँ पे जो मैं लिखूँगा तो इसका मतलब होगा कि उसको केवल हिंदी और फ्रेंच आता है और इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है ना। ये चलो देखो डायग्राम समझना है। आगे देखो 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है, 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है, तो हो सकता है कि उसको तीसरा भी सब्जेक्ट आता हो। चलो फ्रेंच और हिंदी, तो देखो ये है फ्रेंच और ये हिंदी, और बोला 300 को आती है तो मैं 300 यहाँ लिख दिया। ये 300 मतलब क्या, देखो इसकी वैल्यू है, इसकी सिर्फ वैल्यू 300 है, और ये 2000 का मतलब ये पूरे की वैल्यू जो है वो 2000 है। आगे देखिए नेक्स्ट है कि 200 को इंग्लिश और हिंदी आती है, तो देखो ये है हिंदी और ये है इंग्लिश, और बोला 200 को आती है तो 200 ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो पहले आपको ये डेटा समझना है। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, कैसे, जब बोल दिया कि 50 को तीनों भाषाएं आती है, चलो ठीक है यहाँ पे अब मैं तीनों भाषाओं को लिख देता हूँ कि 50 ऐसे हैं जिनको तीनों भाषाएं आती है, ठीक है। ये मैंने क्या किया कि जो भी अभी क्वेश्चन दिया था मैंने उसको पुट कर दिया। अब देखो मैं यहाँ से आपको एक चीज़ और बताते चलता हूँ कि मान लो यहाँ पे मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं फ्रेंच लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं हिंदी लिख देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ अगर आती है दिया हुआ है तो आप इसके मदद से ये भी फाइंड कर सकते हो नहीं भी आती है। मतलब कि देखो इस पूरे गोले की वैल्यू ये है कि टोटल 4000 स्टूडेंट में से 3000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 ऐसे स्टूडेंट बच जाते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। मतलब इधर मैं डायग्राम जो बनाते चल रहा हूँ वो नहीं आती वाले का भी मैं बना देता हूँ, ठीक है, अच्छे समझिएगा। फिर देखो टोटल 4000 हैं और 2000 को फ्रेंच आती है, मतलब 2000 ऐसे भी लोग हैं जिनको फ्रेंच नहीं आती, ठीक। इधर मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो नहीं आने वाला, ठीक है, और इधर जो है मतलब जिनको लैंग्वेज आती है, ठीक है। चलिए आगे देखो, अगर हिंदी 500 को आती है, मतलब 4000 में से 500 को हिंदी आती है, तो ऐसे 3500 ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनको हिंदी नहीं आती है, 3500 है ना, ठीक। अब देखो अब यहाँ पे हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो ये बताओ अगर ये 1500 है तो मैंने भी बताया कि ये 1500 किसकी वैल्यू है, तो इस दोनों की वैल्यू है 1500, तो इस 1500 में से 50 जो है वो आ गया, तो कितना बच गया 1450। मतलब ये 1450 ऐसे लोग हैं जिनको केवल, देखो ये जो वैल्यू है वह यह दिखा रहा है जिनको केवल इंग्लिश और फ्रेंच आएगी, ठीक है ना। उसी तरह से अगर 300 है, मतलब इसकी सिर्फ वैल्यू 300, तो 50 मिल गया आपको, तो यहाँ पे कितना बच गया 250। अच्छा ये 200 है तो ये कितना बच गया 150 हो गया, क्लियर है। अब देखो अब 3000, मतलब अब ये जो है पूरी वैल्यू इसको अब हमें फाइंड करना है, तो देखो कितना आ गया इधर 14, ये हो गया टोटल 1500, 1650, तो 1650 है तो इधर कितना बच गया 1350, ठीक है। मतलब अगर आप 1650 में 1350 जोड़ देंगे तो 3000 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इधर कितना है, देखो 14, मतलब 1500 हो गया, 15 और 2
1750 यानी इधर कितना बच गया, 250। ठीक, इधर आइए, ये कितना हो गया, 250 और 150, मतलब 450, यानी यहाँ कितना बच गया, 50। टोटल कितने बन गए, 500। ठीक है, ये तो बातें समझ में आ गई। अब देखो अब ये कितना क्लियर हो जाएगा। अब पहला तो ये तरीका है कि अगर आप ये सारे को जोड़ देते हैं, ठीक है, अगर आप ये सारे की वैल्यू अगर आप ऐड कर देते हो और टोटल में से अगर लेस कर देते हो, मतलब यहाँ पे जितने भी वैल्यू दिए गए हैं वह सब ऐसा दिया गया है कि सारे को कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अगर जो आती हैं सब्जेक्ट उसको मैं ऐड कर दूँ और टोटल में से लेस कर दूँ तो अगर कुछ बच जाता है तो वो ऐसे निकल जाएंगे जिनको कुछ, मतलब कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। देखो मैं क्या, चलो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा, 13, 13, 26, 27, मतलब ये टोटल कितना हो गया, 1350 और 50, यानी 1400, और ये हो गया 2800 हो गया, ठीक है। और इधर कितना हो गया, चलो देखो मैं लिख के जोड़ देता हूँ, 1350 1450, ठीक है। उसके बाद कितना है, 1350, फिर वो कितना हो गया, 250 550, और इधर कितना हो गया, 200। तो ये बन जाएगा 0 15, एक बचा, 8 5 13 13 और 2 15, इसलिए एक बचा, मतलब 3550। मतलब कि 3550 जो है वह टोटल आपका आया, 3550 अगर बोलूं, एक बार और देख लीजिए, जो मैंने जोड़ा तो हो गया ना, 500 6 700 750 इधर हो गया, और इधर आपका हो जाएगा 1450, और ये हो गया 1350, ठीक है। 1 14 15, ठीक है, 3550। तो ये जो 3550 जो लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो ऐसे कितने लोग बच गए जिनको कोई चीज़ें नहीं आती। तो 4000 में से हम 3550 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 450, ठीक है ना। मतलब 450 क्या आ गया, 450 ही आ गया जिनको तीनों भाषाएं नहीं आती। चलो पहले एक अच्छे से फिर से सुन लो, मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो ये जो भी वैल्यू आए तो इसको जब मैंने ऐड किया तो ये सब कुछ ना कुछ आने वाले हैं। तो अगर अब इसमें से ये पूछा जाए कि जिनको कुछ नहीं आता, तो देखो अगर टोटल 4000 हैं उसमें से किसी न किसी को कुछ इंग्लिश, मतलब ये सब आने वाले हैं, तो मैं टोटल में से जो आ रहा है उसको मैंने लेस कर दिया। जब आप लेस कर देते हो तो जो बच गया वैल्यू, यानी 450 जो बच गया, वह क्या आ गया, वह ये आया कि ऐसे लोगों को कोई भी चीज़ें नहीं आती, मतलब तीनों सब्जेक्ट नहीं आता। अब चलो और हम आपको समझाते हैं। अब आपसे ये बोला कि देखो अब यहाँ पे ये आप बड़े ध्यान से देखिए कि ये जो 1350 है वह क्या कह रहा है। तो यहाँ पे मतलब ये जो वैल्यू सिर्फ है, देख रहे हो ना कि इसमें मतलब इधर दो वाले या तीन वाले नहीं आ रहे हैं, मतलब यह जो 1350 जो डेटा है वह यह कह रहा है कि इस पूरे भीड़ में 1350 ऐसे लोग हैं जिन्हें केवल, देखो यहाँ पे एक सेंस आया कि केवल 1350 लोगों को इंग्लिश आती है। मतलब यह जो ये जो गोले के अंदर जो कि ये 3 और 2 से बाहर है, तो ये जो 1350 है वह यह दिखाएगा कि केवल इंग्लिश आता है 1350 लोगों को। अब सोचो कि तीन सब्जेक्ट है और बोला जा रहा है कि केवल 1350 को ही इंग्लिश आती है, इसका मतलब ये है कि बाकी को इंग्लिश नहीं आती। मतलब अब देखो तो मैं क्या करूँगा, अब हम यहाँ पे लिखे हैं कि सब्जेक्ट नहीं आने वाला, तो जो 1350 आप यहाँ लिखे हो इंग्लिश के पास, तो ठीक इसके सामने अगर मैं 1350 लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यह जो शो करेगा, तो ये भी देखो वही सेम ही चीज़ शो करेगा कि यह 1350 ऐसे लोग हैं जिन्हें फ्रेंच और हिंदी नहीं आती, मतलब जिनको केवल फ्रेंच और हिंदी नहीं आती उनको सिर्फ, ठीक है, उनको सिर्फ क्या आता है, उनको सिर्फ इंग्लिश आती है। देखो सिंपल सी बात, तीन सब्जेक्ट है, बोला गया कि 1350 को केवल इंग्लिश ही आती है, केवल आपको इंग्लिश ही आती है, इसका मतलब बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल मना किया जा रहा है कि भाई इनको ये दोनों सब्जेक्ट
नहीं आता। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर से देखो, अब बताओ, अब ऐसे ही सोचो, अगर ये 250 है, अब बताओ कि जो 250 है वह क्या दिख रहा है, केवल फ्रेंच आता है, मतलब 250 को ही सिर्फ फ्रेंच आता है। इसका मतलब कि मैं यहाँ अगर 250 लिख देता हूँ तो यह आपको ये शो करेगा कि यह 250 यहाँ लिखने का मतलब ये है कि वैसे लोग जिन्हें इंग्लिश और हिंदी नहीं आती, ठीक है। देखो ये जो लिख रहे हैं हम, उनको क्या लिखा गया कि केवल फ्रेंच ही आता है 250 को, मतलब उनको इंग्लिश और हिंदी नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिए, फिर देखो, अब इस तरह से यहाँ 50 है, तो 50 मतलब केवल हिंदी आने वाला। देखो ये है क्या दिखा है, केवल 50 लोगों को ही हिंदी आती है, इसका मतलब कि उनको इंग्लिश और फ्रेंच नहीं आती। ये बातें समझ में आ गई। अब देखो, अगर ये 1450 यहाँ लिखा है तो देखो इसमें क्या शो कर रहा है, इसमें ये तीसरा वाला सब्जेक्ट शामिल नहीं है, मतलब ये शो करेगा कि 1450 वैसे लोग हैं जिन्हें केवल इंग्लिश और फ्रेंच ही आती है, मतलब उनको हिंदी नहीं आता। तो मैं 1450 को यहाँ लिख दूँगा, देख रहे हो ना, कि जो भी इसके सामने, मतलब 1450 को यहाँ लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि 1450 ऐसे लोग हैं जिन्हें केवल इंग्लिश और फ्रेंच आती है, हिंदी नहीं आती। थोड़ा और समझिए, अब सोचो ऐसे अगर 150 है तो ये 150 क्या शो कर रहा है, 150 क्या शो रहा है, कह रहा है वैसे लोग जिन्हें केवल इंग्लिश और हिंदी आती है, केवल इंग्लिश और हिंदी, मतलब इनको फ्रेंच बिल्कुल नहीं आता। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 150, ठीक है। अब देखो ये 250 इसके सामने, अब तो समझ में आ गया ना। चलिए इसको आप जोड़ लेंगे तो 1000 आ जाएगा, इसको जोड़ो तो 2000 आ जाएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, आठ सौ हो गया, इधर आपका 1350, 1428, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है। अब तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है, मतलब ये सब सही है। अब देखो, अब आपने ये देखा, मैं थोड़ा सा टाइम लिया इसको समझाने के लिए, क्यों, क्योंकि एक पहला क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझते हैं केवल का मतलब क्या है, है ना, और अगर केवल नहीं लिखा होगा उसका मतलब क्या है, अगर आप ये समझ जाते हैं तो आगे का क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत जल्द से जल्द आप बना सकते हैं और गलती तो नहीं होगा, उसकी पूरी गारंटी, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये बातें समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। बोला कम से कम एक भाषा, अच्छा बताओ, मतलब ये ना बोला कि कम से कम एक भाषा आनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक, दो भी हो सकता है तीनों आए, है ना। तो ये थोड़ा वर्ड पे ध्यान देना कि कम से कम एक भाषा आने वाला, यहाँ मैंने लिखा है आने वाला। तो चलो आओ देखते हैं, तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ तो सबके सब आने ही वाले हैं, मतलब एक, कम से कम एक का मतलब होता ही है कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, मतलब सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप इसको ऐड किए थे तो आया था ना 3550, तो आंसर हो जाएगा 3550। कोई दिक्कत, क्यों, देखो 450 ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज नहीं आता, ठीक है। आगे चलो, अब मैं एक काम करूँगा कि तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है, तो अभी हम लोग फाइंड किए 450 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती। अब बोला देखो, अब यहाँ पे दो भाषाएं नहीं लिखा है, बोला है केवल दो भाषा आना चाहिए, केवल दो ही, मतलब उसको एक और तीन से मतलब नहीं है, मतलब केवल दो। तो चलो देखो, केवल दो भाषाएँ कौन कौन सी है, देखो ये वाला जोड़ देंगे, ये 150, 250, तो कितना हो गया 400, और ये हो गया 1450, तो कितना हो जाएगा 1850, 1850, ठीक है। ये प्रश्न के उत्तर समझ में आ गए आपको,
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से अब कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा कि केवल एक भाषा आए, मतलब बोला केवल एक ही भाषा, तो केवल एक भाषा मतलब इसको ऐड कर देंगे, केवल एक भाषा ये है 1350, फिर 250, फिर 50 ऐड कर देंगे, ठीक है ना, यानी कितना हो जाएगा 1650, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ पे केवल लिखा है ना, क्या आपसे पूछ रहा है, ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपको कुछ समझ में आया होगा, और मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें बताया आपको कि अगर सिर्फ यही दिया हुआ है कि कुछ कुछ को आता है, और हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि नहीं आने वाला, कि वैसे लोगों की संख्या बताइए जिन्हें कुछ नहीं आता, ठीक है, या ऐसे लोगों की संख्या बताइए जिन्हें केवल हिंदी ही आती है, या ऐसा बताइए कि जिन्हें इंग्लिश और फ्रेंच नहीं आती है, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमें लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक दूसरा सेट देखते हैं। बोला है कि 450 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और सभी विषयों में पास जो हुए हैं वो कितना हुए हैं, 167, ठीक है। अब देखो, बोला कि साइंस में फेल होने वाले इतने, फेल ये हुए, मतलब फेल की ज़्यादा संख्या या फेल की जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा है, तो मैं चलो फेल वाले को लेकर चलता हूँ। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख दिया साइंस, यहाँ मैं लिख दिया मैथ्स, और यहाँ मैं लिख दिया SST। मैं आपको दोनों लेके बताता हूँ। अब ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर जो समझ चुके हैं तो एक भी डायग्राम से समझ में आ जाएगा। तो देखो, साइंस में फेल कितने हुए, 191, केवल नहीं लिखा है, मतलब साइंस मतलब ये पूरे के बारे में बात किया गया, मतलब ये कितना हो गया, 191, ठीक है। मैथ्स में कितने हो गए, 199, इधर मैं जो बना रहा हूँ वो फेल वाला, ठीक है। SST में कितने हैं, 175, केवल नहीं बोला, SST मतलब ये पूरे की वैल्यू दी है, केवल SST बोलता तो हम यहाँ लिखते, ठीक है। अब देखिए, बोला सभी विषय में फेल हुए कितने, 60। चलिए अब देखो क्या बोला, केवल साइंस में पास होने वाले 52 हैं। तभी मैंने बताया कि अगर तीन सब्जेक्ट आपके पास अभी दिया है या कितना भी हो, अगर बोल रहा है कि केवल वह बंदा साइंस में ही पास किया है, मतलब ये क्लियर कहना चाहता है कि बाकी के दोनों सब्जेक्ट में वो फेल है। तभी मैं यहाँ फेल के लिए बना रहा था, तो बाकी के दो सब्जेक्ट कौन हुए, जैसे बोला कि केवल वो साइंस में ही पास है, ठीक है, तो मैं यहाँ 52 लिख दूंगा। ये 52 लिखने का मतलब हो कि मैथ्स और SST में फेल है, क्योंकि मैं इधर का जो डायग्राम वो फेल वाला बना रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, केवल मैथ्स में पास है 48, तो मतलब केवल मैथ्स में पास हैं 48, तो बाकी के तो दो सब्जेक्ट में क्या हो गए होंगे, फेल हो गए होंगे। आगे देखो, 62 केवल SST में पास हैं, मतलब सिर्फ SST में पास हैं, मतलब साइंस और मैथ्स में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। चलिए ठीक है, ये मैंने इसको लिख दिया। चलिए ये कितना हो गया, इसको अगर मैं ऐड कर दूँ तो 50, 90, 100, 160, यानी कितना हो जाएगा, 15, 15, इसको अगर मैं ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 110 और 60, 170, इधर 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2, 2, 4, 6, 6, 12, 5, 17, 174, यानी कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। चलिए ये तो फेल वाला डायग्राम समझ में हम लोगों ने बना लिया। अब अगर आपने ये बना लिया तो ये भी अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, ऊपर की सभी विषयों में पास कितने हुए, 167। अगर आप अगर पास का बनाना चाहते हैं तब, ठीक है, ऐसे तो आंसर आप तुरंत दे सकते हैं कि केवल दो सब्जेक्ट में फेल, तो देखो तो केवल दो सब्जेक्ट में फेल, तो देखो ये 62 ऐड कर दोगे, 52 ऐड कर दोगे और 42, क्यों, क्योंकि वहाँ पे केवल दो बोला है, तो केवल दो बोला है तो मतलब बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा,
ये 100 और 62 यानी 162 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, कम से कम एक में पास होना है, मतलब कम से कम एक में पास है, मतलब कि बाकी में फेल भी होगा तो चलेगा। ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, ये बोला कि कम से कम एक में पास है, तो कम से कम अगर एक में पास है तो 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, सारे चीज़ें आएंगे। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, टोटल मेरे पास लोग कितने हैं, 450। ठीक है, और उसमें से ये पता है आपको कि तीनों में फेल कितने हो गए हैं, 60। तो मैं यहाँ से भी ये वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, मतलब 390 ऐसे लोग होंगे जो कि पास होंगे। अब क्या बोला कि कम से कम एक ही सब्जेक्ट में पास, अगर बोलता कि केवल एक सब्जेक्ट में पास तो हम लोग क्या करते, इसको सिर्फ ऐड कर देते 1, 2 और 3 को। लेकिन आपसे बोला कि कम से कम एक में पास, तो कम से कम एक में पास मतलब हो सकता है कि बाकी के 2 हो सकते हैं 3 हो सकते हैं। ठीक है ना, तो सेकेंड का आंसर कितना हो जाएगा, 390। मैंने क्या किया, टोटल जो स्टूडेंट थे वो 450 थे, जिसमें आपको पता है कि 60 ऐसे बच्चे हैं जो कि तीनों में फेल हैं। ठीक है, तो आया कितना, 390, मतलब 390 ऐसे हैं जो कि केवल एक सब्जेक्ट में हो सकते हैं, केवल 2 में और केवल 3 में, मतलब इतने लोग हैं कि कम से कम एक में तो कम से कम पास हैं, तो हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको ये जो बेसिक जो क्वेश्चन थे या बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, और भी जो अगर हाई लेवल वगैरह का पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों का एक ऐप है, हम लोग एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, जिसमें आप इनरोलमेंट करा सकते हैं। कल से एडमिशन शुरू है, उसमें हम आपको लाइव क्लास देंगे और जो करेंट जो लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चंस होंगे उस पे बेस जो है मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, जीके और रीजनिंग, है ना, कि एक बेहतरीन टीम आपके बीच है। मैं एक बार और नाम बता दूं, मैथ्स के लिए निर्मल दीक्षित सर हैं, इंग्लिश के लिए ब्रजेश सर हैं, जीके जीएस के लिए हमारे जेपी सर हैं, उनके भी कुछ टीम के लोग हैं, और रीजनिंग और डीआई वगैरह जो होगा उसके लिए मैं हूँ। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप एनटीपीसी के लिए तैयारी करना चाहते हो, अभी यूपीएसआई है, यूपी पुलिस है, है ना, लेखपाल वगैरह की वैकेंसी भगवान करे आ जाए, है ना, मतलब उसका उम्मीद है। अभी जो है बिहार में भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना, इस हम लोग पेंडेमिक से थोड़ा निकले, इस महामारी से थोड़ा निकले, तो वैकेंसी आने वाली है। आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि जॉब या वैकेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको वो चीज़ सोच के तैयारी नहीं करनी है। आप न्यूज़ में देखेंगे कि हाँ इस सेक्टर से इतने लोग निकाले गए, ये किए गए, तो हाँ ठीक है, अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। बट अभी जैसे अब SBI PO वगैरह के लिए वो आना ही आना है, ठीक है, तो आप जिस चीज़ की भी तैयारी करना चाहते हैं आप जल्द से जल्द हमसे जुड़ें, हम लोगों से जुड़ें और फ़ायदा उठाएँ। ठीक है ना, रही बात थोड़े अभी, आप ऐप जब डाउनलोड करोगे तो अभी बहुत तरह के बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि थोड़े टाइपिस्ट का प्रॉब्लम हो रहा है ना, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इससे हम लोग बाहर निकलते हैं तो आपके पास दुनिया भर के कंटेंट रहेंगे, है ना। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कुछ धीरे धीरे करके उसे दिया जाए कंटेंट, बट लाइव जो क्लासेज होगी तो उसमें तो कहीं किसी को जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आप घर पे भी बैठ करके पढ़ सकते हैं, तो लाइव क्लासेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना, और घर में रहिए, सेफ रहिए, फैमिली के साथ जो है वक्त बिताइए, है ना, और लेकिन अपना फ्यूचर कभी ना भूलिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो उसके लिए अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब भटकना नहीं है, किसी की बातें नहीं सुननी है। ठीक है, आराम आदमी तब करता है जब ऐसा लगता है कि नहीं यार वो अब सक्सेस हो जाएगा, मतलब उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, तो यार आप वैकेंसी के लिए मत सोचो, वैकेंसी आएगी, कम से कम आप तो टाइम जो है उसका सदुपयोग करें,
है ना? ठीक है, तो फिर आज ये जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके बीच रखा, आपके सामने रखा, और आप जो है इसको बनाइए, और कोई भी समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इससे पहले के कुछ वीडियोस जो मैंने बनाए थे तो उसमें थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम था, लेकिन अब जो है प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी मैं करूँगा कि जो आपके पिछले जो वीडियोस हैं तो उसको मैं फिर से बना दूँगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पहले वाले वीडियो में साउंड कहीं कहीं बहुत कम आया है, तो बच्चे उस चीज़ को बताए मुझे, तो मैं उसको भी कर दूँगा, ठीक है ना? वो भी जो समस्या वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके, देन बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, ओके।